हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम जून 2015 में लीनियर एलिज्रा के पार्ट बी के जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर थ्री टू आर टू फर्स्ट में दिया हुआ एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई सेकेंड में दिया हुआ जी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई थर्ड में दिया हुआ एच एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई इनमें से बताना है एफ जी और एच में से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा होगा फ्रॉम आर थ्री टू आर टू देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए जैसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो किस कंडीशन में होगा मतलब इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए हमें ये कंडीशन देखनी होगी एफ एल्फा एफ वन प्लस एफ टू इक्वल टू एल्फा एफ़ एफ वन प्लस बीटा एफ एफ टू ठीक है तो जैसे यहाँ पे हम लेके चलते हैं एफ़ एल्फ़ा एक्स वन वाई वन जेड वन प्लस बीटा एक्स टू वाई टू जेड टू तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं देखो इनको साथ में लिख देंगे एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू एल्फ़ा वाई वन प्लस बीटा वाई टू एल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू अब हमारे पास ये एफ़ जो दिया हो वो किस तरह से डिफाइन है फोर एक्स प्लस वाई तो कैसे लिखेंगे इसे फोर और एक्स प्लस वाई तो यहाँ पे x तो ये है y ये है तो इनको ऐड करके लिख देंगे तो देखिए ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगी अल्फा f f1 वन प्लस बीटा एफ़ एफ, एफ तो इस वजह से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा या फिर देखिए इसे हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं हमें पता है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो जीरो को जीरो पे मैप करता है बट यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू फोर आ रही है तो उसका मतलब हमें यहाँ से कभी भी एफ़ ज़ीरोल टू जीरो नहीं मिलेगा तो इस वजह से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो डायरेक्ट भी हम इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं फिर देखिए सेकंड क्या दिया हुआ है हमें जी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई तो देखिए जब भी हमारे पास दो वेरिएबल की प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे अगर वैल्यू दी हुई हो तो वो कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म नहीं करता आप इसको इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हो तो ये जो जी है ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा फिर एच दिया हुआ है एच एक्स वाई जेड इक्वर टू जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई तो देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसे भी हम प्रूफ करके देखते हैं टी एल्फ़ा एक्स वन वाई वन जेड वन टी की जगह सॉरी यहाँ पे एच है ना क्योंकि हमें पूछा गया क्या एच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हम इस तरह से प्रूफ करते हैं एच एल्फा एक्स वन वाई वन जेड वन प्लस बीटा एक्स टू वाई टू जेड टू इसे देखो इनको साथ में लिख देंगे तो एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू एल्फ़ा वाई वन प्लस बीटा वाई टू एल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू ठीक है यहाँ पे एच ले लेते हैं हम फिर देखिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिफाइन किया हुआ है हमें ये बताना है क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो एच एक्स वाई जेड तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया ना एच एक्स वाई जेड तो इसे किस तरह से दिया हुआ जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा एल्फा जेड वन प्लस बीटा जेड टू माइनस एल्फा एक्स वन माइनस बीटा एक्स टू यहाँ पे एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू प्लस एल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू इन्हें हम सेपरेट करके लिख सकते हैं एल्फा जेड वन माइनस एक्स वन एक्स वन प्लस वाई वन यहाँ पे बीटा जेक टू माइनस एक्स टू एक्स टू प्लस वाई टू तो ये जो है ये तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है टी एल्फा एफ वन प्लस बीटा एफ टू इक्वल टू एल्फ़ा टी एफ वन प्लस बीटा टी एफ टू तो इस वजह से एच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और हमें यही बताना इनमें ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगा आर थ्री टू आर टू तो इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एच है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर थ्री टू आर टू इनमें से ये दोनों लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बना रहे तो इस वजह से ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी क्योंकि उसमें दिया हुआ ओनली थ्री एंड बाकी के इन करेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट टी टी मैट्रिक्स सच की पावर इक्वल टू जीरो वल टू के टू लेस देन इक्वल टू के थ्री लेस देन इक्वल टू के फोर तो हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखिए सॉल्यूशन देखिए हमारे पास टी कैसी मेट्रिक्स दी हुई है फोर क्रोस फोर की मैट्रिक्स है सच दैट तो टी की पावर फोर इक्वल टू जीरो तो देखो t की पावर फोर इक्वल टू जीरो मतलब क्या है t कैसी मेट्रिक्स हो गई हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स जिसकी इंडेक्स क्या है फोर है तो अगर टीन इम्पोर्टेंट है तो उसका मतलब इसकी सारी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी जीरो होगी एंड इसकी डायमेंशन क्या होगी फोर ठीक है अब ये यह यहाँ पे दिया हुआ है की आई इक्वल टू तो डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ़ टी आई डायमेंशन ऑफ कर्नेल कर्नेल की डायमेंशन किसको रिप्रेजेंट करती है नलिटी को तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा नली टी ऑफ टी की पावर आई वो किसके इक्वल है की आई मतलब यहाँ से नलिटी ऑफ टी आई रिप्रेजेंट किया हुआ है की आई से तो देखिए अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें एक मैट्रिक्स ऑप्शन फर्स्ट के लिए फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं जीरो जीरो ज़ीरो वन जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो 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 जीरो जीरो ज़ीरो जीरो जीरो ठीक है मतलब इसकी तीन रोज तो कैसी है जीरो है और एक रो में जीरो 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 वन इस तरह से एंट्री है अगर इसकी रैंक देखें तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू क्या है वन है क्योंकि इसके पास में एक नॉन जीरो रो है तो इसकी रैंक तो आ गई वन अगर हम यहाँ से टी स्क्वायर फाइंड करेंगे वो भी जीरो आएगा टी की पावर थ्री भी जीरो आएगा एंड टी की पावर फोर भी जीरो आएगा अब के वन क्या दिया हुआ है मतलब हमारे पास के आई किस तरह से डिफाइन है के आई इक्वल टू नली ऑफ टी की पावर आई तो अगर के वन फाइन करें आई की वैल्यू वन रखेंगे क्योंकि दिया हुआ है फोर आई इक्वल टू वन टू फोर तो यहाँ पे जब के वन फाइन करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास नलिटी ऑफ टी वन यानी कि इस मैट्रिक्स के लिए हमें नलिटी टी फाइन करनी है तो नलिटी क्या होती है जैसे हमें सेल्वेस्टर लो से पता है डायमेंशन इक्वल टू रिंक प्लस नलिटी ठीक है तो अगर हम टी वन के लिए फाइन करें देखिए हमारे पास मैट्रिक्स की टी के लिए डायमेंशन तो फोर है ठीक है फोर इक्वल टू रेंक रेंक क्या है इसकी वन है प्लस नली तो इसकी नली क्या यहां तो आ जाएगी यहाँ से थ्री तो के वन की वैल्यू आ गई थ्री इसी तरह से के टू फाइन करेंगे तो वो क्या आएगा नली ऑफ टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, है, हमारे, पास है तो तो क्या है हमारे पास जीरो आया देखिए यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो इसकी रेंक तो क्या आएगी हमारे पास जीरो आएगी इस मैट्रिक्स की एंड इसकी डायमेंशन फोर है तो फोर इक्वल टू ज़ीरो प्लस नली तो यहाँ से नली क्या आएगी इसकी फोर आ गई तो के टू की वैल्यू फोर आ गई इसी तरह से टी की पावर थ्री भी जीरो एंड टी की पावर फोर भी जीरो है तो हमें के थ्री भी फोर मिल जाएगा एंड के फोर भी अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आई है देखिए इसके लिए जो हमने मैट्रिक्स कंसिडर की उससे हमारे पास वैल्यूज़ यही आई है थ्री लेसन इक्वल टू फोर लेसन इक्वल टू फोर लेसन इक्वल टू फोर, तु फोर तु और इसमें ये पूछा है नॉट अ पॉसिबिलिटी ये तो पॉसिबिलिटी है इस मैट्रिक्स के लिए तो इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा इसी तरह से देखिए हम ऑप्शन थर्ड के लिए एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं कुछ इस तरह से देखिए टी इक्वल टू जीरो वन जीरो ज़ीरो ये पूरी रो ज़ीरो फिर जीरो 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 वन एंड ये फोर्थ रो जीरो, जीरो। इसकी अगर रैंक देखें तो उसके पास में दो नॉन ज़ीरो रो है तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी टू आ जाएगी यहाँ से जब हम टी स्क्वायर फाइन करेंगे वो भी ज़ीरो आएगा तो टी क्यूब भी जीरो आएगा फिर टी फोर भी जीरो आएगा मतलब टी स्क्वायर ज़ीरो टी क्यूब जीरो एंड टी की पावर फोर इक्वल टू जीरो तो K1 के वन की वैल्यू क्या आ जाएगी नलिटी ऑफ टी की पावर वन इसका मतलब टी की नलिटी नलिटी क्या होगी यहाँ से डायमेंशन मतलब लो से अगर देखें तो डायमेंशन इक्वल टू रेंक प्लस नलिटी टी की डायमेंशन फोर है फोर इक्वल टू रेंक क्या इसकी 2 है इसकी टू है टू प्लस नलिटी तो नलिटी क्या आ जाएगी टी के लिए टू आ जाएगी इसका मतलब के वन की वैल्यू टू आ गई इसी तरह से के टू क्या होगा टी स्क्वायर की नलिटी टी स्क्वायर स्क्र जीरो है इसका मतलब रेंक तो इसकी जीरो डायमेंशन फोर है तो नलिटी इसकी फोर आ जाएगी इसी तरह से के थ्री भी फोर आ जाएगा एंड के फोर भी फोर आ जाएगा तो देखिए ऑप्शन थर्ड तो ये वाली कंडीशन भी पॉसिबल है और यहाँ पे ये पूछा गया नॉट अ पॉसिबिलिटी तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारे पास पॉसिबल है फिर इसी तरह से अगर फोर्थ ऑप्शन के लिए हम कंसिडर करें एक मैट्रिक्स देखिए कुछ इस तरह से अगर हम मैट्रिक्स कंसिडर करें ज़ीरो वन ज़ीरो जीरो जीरो ज़ीरो वन जीरो, जीरो फिर ये वाली रो जीरो और ये वाली रो भी जीरो इसकी रैंक भी क्या है टू है ठीक है अगर हम इसकी रैंक देखें तो उसके पास में दोनों ज़ीरो रो है तो इसकी रैंक भी क्या आ गई हमारे पास टू आ गई टी स्क्वायर फाइन करेंगे तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी जीरो जीरो वन जीरो जीरो ज़ीरो जीरो जीरो ये वाली रो जीरो ये वाली रो भी जीरो तो यहाँ से रिंक ऑफ टी स्क्वायर क्या आ जाएगी क्योंकि इसके पास में एक नॉन जीरो रो है तो रिंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू वन यहाँ से टी क्यू फाइन करेंगे तो जीरो आएगी एंड टी की पावर फोर फाइन करेंगे वो भी जीरो आएगी अब हमें नलिटी फाइन करनी है के वन की वैल्यू क्या आएगी नलिटी ऑफ टी की पावर वन वो आ जाएगी फोर माइनस टू क्योंकि रिंक टू है डायमेंशन फोर है तो नलिटी आ जाएगी फोर माइनस टू इक्वल टू टू फिर के टू की वैल्यू आ जाएगी नलिटी ऑफ टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर की रैंक क्या है देखिए टी स्क्वायर की रैंक वन है तो और डायमेंशन क्या होगी फोर होगी तो फोर इक्वल टू रेंक क्या है वन प्लस नली तो नलिटी आ जाएगी इसके लिए थ्री तो यहाँ से हमें मिल गया के टू की वैल्यू थ्री फिर के फोर सॉरी के थ्री क्या है क्योंकि टी की पावर थ्री इक्वल टू जीरो है तो के थ्री फोर आ जाएगी नलिटी एंड के फोर क्योंकि टी की पावर फोर भी जीरो है तो इस वजह से के फोर भी फोर आ जाएगी तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया थर्ड इनकरेक्ट हो गया फोर्थ इनकरेक्ट हो गया इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट ए एंड बी बी एनक्रोस एंड मेट्राइसिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें क्या फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी ठीक है देखिए सॉल्यूशन देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी काम में लेके चलेंगे ट्रेस ऑफ ए बी सी इक्वल टू ट्रेस ऑफ सी ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी सी ए तो कुछ इसी तरह से बस हमें अरेंज करना है ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इन टू ए बी स्क्वायर को बी इन टू बी फिर यहाँ से इस बी को आगे ले आएंगे तो बी ए इं टू ए इंटू बी फिर वापस देखिए अब ये वाला बी है इसे वापस इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा बी इन टू बी इंटू ए इं टू ए ठीक है फिर वापस इस ए को आगे ले आएंगे तो ए इंटू बी इन टू बी इन टू ए ठीक है तो ए बी इन टू बी इंटू ए ठीक है इस तरह से आ गई वैल्यू बी इन बी मतलब बी को बी से प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा तो हमें ये किसके इक्वल मिल गया ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर इंटू ए अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में यही दिया हुआ है तो ट्रेस ऑफ ए बी स्क्वायर ए ये किसके इक्वल आ गया ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रोज स्पेस ऑफ अ ट्वेंटी क्रॉस फिफ्टी मैट्रिक्स ए हेज़ डायमेंशन थर्टीन दैन वॉट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ सोल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हमें डायमेंशन फाइंड करनी है किसकी डायमेंशन ऑफ द सोल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो देखिए ऑप्शन दिए हुए सेवन थर्टीन थर्टी थ्री एंड थर्टी सेवन तो देखिए सॉल्यूशन देखिए हमें पता है जो रोज स्पेस की डायमेंशन होती है वो क्या होती है मेट्रिक्स की रिंक होती है और हमें दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ रोज स्पेस इक्वल टू थर्टीन तो हमारे पास रिंक ऑफ ए क्या आ गई थर्टीन आ गई और मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमें ट्वेंटी क्रॉस फिफ्टी की मैट्रिक्स है तो रैंक हमें मिल गई थर्टीन अब अगर ये ट्वेंटी क्रॉस फिफ्टी की मैट्रिक्स है तो यहाँ से एन की वैल्यू तो क्या आ गई फिफ्टी फिफ्टी आ गई और रैंक हमारे पास थर्टीन है देन सेल्वेस्टर लोसी डायमेंशन एन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिफ्टी इक्वल टू थर्टी सॉरी थर्टीन प्लस नलिटी ऑफ है तो ये सॉल्व वो की वैल्यू आ जाएगी थर्टी सेवन और जो नलिटी होती है वो सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन होती है तो हमारे पास सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन आ गई थर्टी सेवन

टी एंड इमेज टी स्क्टिव डायमेंशन टू एंड वन हमें ये बताना है इनमें से किस मैट्रिक्स के लिए डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इक्वल टू टू आएगी एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी स्क्वायर वन आएगी देखिए सॉल्यूशन टी हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर फोर से आर फोर पर डिफाइन है किस तरह से टी वी इक्वल टू ए वी एंड देखिए हमें ये फाइन करना है जो मेट्रिक्स की हुई है ऑप्शन ए बी एंड ए बी सी एंड डी में उनमें हमें ये चेक करना है रिंग ऑफ ए इक्वल टू टू एंड रिंग ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू वन कौन सी मैट्रिक्स के लिए आएगी क्योंकि हमें दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी एंड हमें पता है इमेज की जो डायमेंशन होती है वो रिंग को रिप्रेजेंट करती है तो इसका मतलब अगर दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इक्वल टू टू इसका मतलब रिंक ऑफ ए इक्वल टू टू एंड इमेज सॉरी डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी स्क्र इक्वल टू वन इसका मतलब रिंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू वन तो हमें ये चेक करना है कौन सी मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स की रैंक टू के इक्वल आएगी और उसके स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक वन के इक्वल आएगी मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू टू एंड रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू वन ये कौन सी मैट्रिक्स के लिए आएगी वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और देखिए हमारे पास क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि जो स्टार ये जो एंट्री दी हुई है ये एक नॉन जीरो एंट्री है यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जो एंट्री दी हुई है ये कैसी एंट्री होगी यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री होगी देखिए सॉल्यूशन फिर फर्स्ट ऑप्शन में मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दी हुई है तो देखिए इसकी रैंक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम इसे एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अब ये दिया हुआ स्टार कैसी है ये नॉन ज़ीरो एंट्री है तो पहले हम इसकी एकलन फॉर्म कन्वर्ट कैसे करेंगे देखो जब इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये कैसी एंट्री नॉन जीरो है तो पहले इसकी हेल्प से हम ये वाली एंट्रीज को ज़ीरो बनाएंगे क्योंकि एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसे पाईवुट बनाएंगे तो इसके सारी इसके नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज है वो क्या होगी जीरो होगी तो इसको हम इसके हेल्प से ज़ीरो बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे तो ये स्टार फिर ये ज़ीरो 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 तो ये वाली एंट्री तो यहाँ पे ज़ीरो हो गई फिर अब ये वाली एंट्री है ये ज़ीरो हो भी सकती है और ये ज़ीरो नहीं भी हो सकती अगर ये जैसे सपोज़ यहाँ पे वन 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 हो तब तो ये ज़ीरो हो गई पर सपोज़ अगर यहाँ पे ये यह टू हो और ये वन हो तो ये एंट्री ज़ीरो नहीं होगी तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो भी सकती है और ये वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं भी हो सकती अगर ये ज़ीरो के इक्वल हो जाती है तो ये पाईवुड और फिर ये पाईवुड अगर ये वाली एंट्री ज़ीरो हो गई तो एक तो ये पाईवुड हो गया एक ये पाईवोट हो गया एंड रिंक किसके इक्वल होती है नंबर ऑफ पाईवोड्स के इक्वल होती है तो यहाँ से रिंक आ जाएगी हमारे पास टू और सपोज़ अगर ये वाली एंट्री ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे भी हमारे पास स्टार आ जाएगा ठीक है मतलब यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू आएगी अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर इसको पाईवुड बनाएंगे इसको पाईवुड बनाने के लिए इस वाली एंट्री को ज़ीरो करेंगे इस वाली एंट्री की हेल्प से तो यहाँ पे ये दोनों पाइवोट मिल गए एंड नंबर ऑफ पाइवोट किसके इक्वल होता है मतलब जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ पाइवोट के इक्वल होती है तब भी रैंक क्या आ जाएगी टू आ जाएगी तो दोनों ही कंडीशन में मैट्रिक्स ए की रैंक हमारे पास टू आ जाएगी फिर देखिए हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा जब हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स मिलेगी जीरो 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 स्टार जीरो 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 स्टार और ये दोनों रो जीरो तो हमारे पास इसकी रेंक क्या आ जाएगी क्योंकि हम इसके हेल्प से इसको जीरो बना सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास इसकी रेंक आ जाएगी वन अब देखिए किसी भी पॉसिबिलिटी में हमें रेंक ऑफ ए टू मिलेगी एंड रेंक ऑफ ए स्क्वायर वन मिलेगी तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें यही पूछा गया है कि रेंक ऑफ ए एंड रेंक ऑफ ए स्क्वायर वन कौन सी मैट्रिक्स के लिए आएगा तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा वैसे ये पार्ट पी से इक्वेशन है लेकिन आंसर की में भी इसके दो ऑप्शन दिए हुए हैं तो देखिए बाकी को भी हम चेक करते हैं इसमें ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी करेक्ट होगा क्योंकि देखिए इसमें मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दी हुई है इसको भी हम इसकी रैंक फाइंड करने के लिए पहले इकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले ये वाली एंट्री को पाइवोट बनाएंगे तो इसके सारी नीचे वाली जो एंट्रीज़ है उनको जीरो करेंगे तो ये जो स्टार एंट्री है इसको इस स्टार एंट्री की हेल्प से ज़ीरो बनाना है तो हमारे पास ये वाली रो पूरी ज़ीरो आ जाएगी फिर इसको पाइवोट बनाएंगे तो इसको ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास दो पाइवोट आ गए या फिर बोल सकते हैं दो हमारे पास नून जीरो रो आ गई तो मैट्रिक्स एक की रैंक क्या मिलेगी हमें टू मिलेगी किसी भी कंडीशन में फिर इसकी ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से मैट्रिक्स मिलेगी यहाँ पे एंट्रीज़ देखो ये सारी एंट्रीज जीरो जीरो और यहाँ पे स्टार स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी हमारे पास वन क्योंकि एक एक एंट्री की हेल्प से बाकी एंट्रीज़ को हम जीरो कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी रैंक आ जाएगी रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू वन देखिए रिंक ऑफ ए टू है एंड रिंक ऑफ ए स्क्वायर के हमारे पास वन है तो ये दोनों पॉसिबिलिटी इसमें भी है तो इस वजह से सेकेंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन के आंसर की में भी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ऑप्शन करेक्ट दिए हुए हैं तो इसका सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा फिर देखिए थर्ड और फोर्थ को यहाँ पे थर्ड में मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दी हुई है इसकी रैंक देखो ये नॉन जीरो रो ये नॉन जीरो रो इसके पास में इसकी रैंक आ गई टू ए स्क्वायर फाइन करेंगे तो ए स्क्वायर की भी रैंक आएगी हमारे पास यहाँ से टू इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा फिर फोर्थ में देखिए मैट्रिक्स सी हुई है कुछ इस तरह से ये दोनों रो तो जीरो थर्ड में जीरो जीरो स्टार स्टार यहाँ पे भी जीरो ज़ीरो स्टार स्टार इसको अगर हम थोड़ा कन्वर्ट करके लिखें तो इस वाली रो की हेल्प से इस वाली रो को जीरो बना देंगे तो इसकी रैंक क्या आ गई हमारे पास वन टू के इक्वल नहीं आई देन फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो गए एंड सी ओ डी इनकरेक्ट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट ए बी एन एम क्रोस एन मैट्रिक्स ऑफ रिंग एन विथ रियल एंट्रीज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है एक्स इक्वल टू बी हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एनी वी सेकेंड एक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन थर्ड में दिया हुआ है एक्स इक्वल टू बी हैज़ अ सॉल्यूशन देन इट इज़ यूनिक एंड फोर्थ में दिया हुआ वाई डैश ए इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो वाई वेयर वाई डैश डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ द वेक्टर वाई देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए मैट्रिक्स ए कैसी दी हुई है m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी हुई है जिसकी रैंक हमें दी हुई है n ठीक है a मैट्रिक्स की रैंक दी हुई है n तो इसका मतलब हमें पता चल गया m क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा क्योंकि रैंक क्या होती है अगर हम किसी मैट्रिक्स की रैंक देखते हैं तो वो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो होती है तो यहाँ पे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है इसका मतलब इसके पास में रोज़ कितनी है m है और इसकी रैंक दी हुई है n इसका मतलब जो m होगी वो या तो एन से ग्रेटर होगी या फिर उसके इक्वल होगी तो हमारे पास कंडीशन आ गई एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन अब हम ऐसी एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं तो हम एक मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो थ्री क्रॉस टू की मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं हम तो रैंक क्या दी हुई है एन के इक्वल यहाँ पे एन की वैल्यू यानी मतलब इसमें कॉलम कितने हैं तो यहाँ पे टू कॉलम्स हैं तो रैंक ऑफ ए क्या आ गई हमारे पास टू और देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में एक्स इक्वल टू बी हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर एनी बी तो हम बी कंसिडर करते हैं बी इक्वल टू जीरो ज़ीरो वन अब हमें पता है सिस्टम के पास में सॉल्यूशन कब होता है जब मैट्रिक्स ए की रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक क्या हो इक्वल हो तो हमने काउंटर एग्जांपल कंसिडर किया वन जीरो ज़ीरो वन जीरो ज़ीरो ये तो मैट्रिक्स ए और बी कंसिडर किया हमने ज़ीरो ज़ीरो वन ए की रैंक हमारे पास टू है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे ए एंड बी से तो हमारे पास क्या आएगी वन जीरो ज़ीरो जीरो वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन देखिए इसकी रैंक क्या है हमारे पास इसके पास में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो थ्री है तो इसकी रैंक हमारे पास आ गई थ्री तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है मैट्रिक्स ए की रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है वो दोनों इक्वल नहीं है और अगर इन दोनों की रैंक इक्वल ना हो तो उस कंडीशन में सिस्टम के पास में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा फिर देखिए सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ एक्स इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव ए सोल्यूशन बट देखिए अगर हम देखें एकवल टू जीरो इसका मतलब जब हम यहाँ से मैट्रिक्स ए की रैंक देखेंगे तो देखो मैट्रिक्स ए की रैंक जैसे हमारे पास एन के इक्वल है सपोज हमारे पास रैंक है टू तो जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू तो ज़ीरो है इसका मतलब मैट्रिक्स जो ए की रैंक होगी वो भी हमारे पास उसी के इक्वल होगी जो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगी मतलब हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक दोनों इक्वल ही आ जाएगी क्योंकि बी तो हमारे पास जीरो है तो इस वजह से एक्स इक्वल टू जीरो ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन इसके पास में एक्स इक्वल टू जीरो के पास में ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ट्रिवियल सॉल्यूशन तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा फिर देखिए फोर्थ सॉरी थर्ड में दिया हुआ है इफ हैज़ हैज़ अ सॉल्यूशन देन इट इज़ यूनिक अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन होने का मतलब मैट्रिक्स ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी इक्वल होगी एक की रैंक हमें एन के इक्वल दी है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी एन के इक्वल आ जाएगी और हमें पता है जब भी हमारे पास मैट्रिक्स की रैंक एन के इक्वल दी हुई हो ऑलवेज सॉल्यूशन कैसा होता है यूनिक तो फोर्थ सॉरी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड में यही दिया होगा एक्स इक्वल टू बी हैज़ अ सॉल्यूशन देन इट इज़ यूनिक तो डायरेक्ट रिजल्ट से ये करेक्ट हो गया पार्ट बी से इक्वेशन है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा तो बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए